ये अंडा किसका है पता नहीं। तो हमें लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ मिल गए हैं नीचे, और उसके साथ अंडा और एक बनाना दोनों मिला है। तो मालूम नहीं ऐसा लेट के तो जा नहीं सकते हम लोग, बैग में गिर जाएगा। तो यहीं में खा के फिनिश करते हैं। तो आप देख लीजिए कैसा है, खोलो। खुल चुका है दोनों। चिकन खाला सर। और ये और चावल। तो ये है हमारा चिकन, चिकन यही है और ये चावल। देखिए ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा तो ऊपर जाएगा डायरेक्ट और ऐसा हो भी नहीं सकता। काफी छोटा रास्ता है और आदमी बहुत ज्यादा है, रास्ते से जाना हो रहा है हम लोग को। तो चलते हैं नीचे देखते हैं। हम लोग का जाना है पूरा 16 किलोमीटर। तो आज तक हम लोग 2 किलोमीटर ही आए हैं। तो बीच में और यहाँ पे देख लीजिए ऋत्विक भैया को अपना काम शुरू कर दिया। तो अराउंड 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर ही आए हैं, अभी 14 किलोमीटर जाना बाकी है। तो मेरा पहले लेकिन एट द लास्ट अगर सब रो नहीं दिया तो आप बोलना हो डायरेक्ट 16 किलोमीटर का है पूरा। प्ले नहीं कर सकता हूँ बट कभी आओ तो देखो। लेकिन हाँ बोलूँ तो थक भी गया हूँ, लेकिन जो भी है जैसा है मस्त है। टाइम हो रहे हैं 1:21 PM और अभी मैं शायद आधा रास्ता तक भी नहीं पहुंचा हूं। मेरे दोस्त तो बहुत पीछे हैं, मैं अभी अकेला ही आ रहा हूं। इधर भी खाली और काफ़ी थक गया हूं, बट थकने से तो कुछ नहीं होगा। अब निकल गया हूं तो कंप्लीट करना ही होगा। तो आप देख लीजिए ऊपर काफ़ी मस्त नज़ारा है, काफ़ी मस्त। तो अराउंड 2-3 घंटा और लगेगा मुझे लग रहा है, 2 घंटा। पूरा 16 किलोमीटर्स का ट्रिप था वही ट्रैकिंग। तो कितना किलोमीटर हो गया है आई डोंट नो, बट ये ट्रैकिंग तो मैं पहले भी आ चुका हूँ जब मैं फर्स्ट ईयर में था अपने इंजीनियरिंग का। लेकिन उस समय नाम था कि हमें जाना है चेरापूंजी, लेकिन अभी नाम क्या था कि हम लोग को क्या है फिर जगह का नाम भूल गया यार, मेरा दिमाग में क्या हो गया, फिर से देखना पड़ेगा, बहुत ख़राब हो गया है। ठीक है मिलते हैं आपसे, नाम देखते हैं।
पत्थर हैं, पत्थर और मिट्टी की खुदाई होती है, खदान है। हम लोग का भी बिजनेस कुछ यही है, तो काफ़ी अंदर में होता है ये सब, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, लाइफ का रिस्क, कब ऊपर से मिट्टी नीचे गिर जाए कोई गारंटी नहीं होता है यहाँ पे। ये लोग अपने जान को रिस्क पे रख के अभी हम लोग आए हैं एक खदान, इसको बोलते हैं कुआरी, ठीक है। तो यहाँ में खदान हो रहा है और लाइक बहुत रिस्क होता है जान का। यहाँ में ये लोग तोड़ तोड़ के रखे भी है पत्थर वगैरह, देख लीजिए। तो फाइनली हम लोग का ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुका है और टाइम हो रहा है 2:40। हम लोग स्टार्ट किए थे अराउंड 9:30 को, कितना लग गया जोड़ लीजिए आप। मतलब आज उतना हालत पंचर नहीं हुआ पिछले बार ज़्यादा, पिछले बार लाइक हम लोग चलने के लायक तक नहीं थे। तो फुल्ली 16 किलोमीटर अब हम लोग को मालूम है कितना कैपेसिटी है कि हम लोग चल सकेंगे, वो भी अप एंड डाउन। अगर स्ट्रेट रोड हो तो अराउंड 20 किलोमीटर हो ही जाएगा। तो आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो शिलोंग से आपको डायरेक्ट टैक्सी मिलेगा यहाँ पे। वो लोग कितना रुपये लेंगे मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बता सकता हूँ, मैं जाऊँगा पूछूँगा और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा विथ नंबर। तो आप यहाँ पे आओ, एक टूरिस्ट गाइड को भी लेके आओ, क्योंकि ये ट्रैकिंग जो है आप अकेले आओगे तो मैं 100% लिख के देता हूँ कहीं ना कहीं गुम हो ही जाओगे। तो कभी भी अकेले आने का मत सोचना ऐसे ट्रैकिंग पे। तो यही है, मिलते हैं आपसे कभी ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं और ट्रैकिंग पे। हाँ, ट्रैकिंग तो होने वाला है, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी होगा, तो जाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं आपसे।